नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत। आप देख रहे हैं डीकेएसडी। इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग इस एमआई बैंड 3 की, जो कि एक फिटनेस बैंड है, और देखेंगे क्या है इसके बॉक्स कंटेंट्स और करेंगे इसका ओवरव्यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स को। काफी छोटा सा बॉक्स है और सामने से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर है, जिससे एमआई बैंड 3 जो फिटनेस ट्रैकर है या जो कैप्सूल है वो दिख रहा है। बॉक्स के साइड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एमआई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बॉक्स के बैक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम जो कि फिटनेस बैंड है, ब्लैक कलर का है, मॉडल नंबर प्रिंटेड है और इनपुट वोल्टेज डीसी 5 वोल्ट का है। और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उस प्रोडक्ट के बारे में और जो प्राइस कोटेड है वो है 2199 रुपये, लेकिन ये आपको एमआई और अमेजोन की साइट पर 1999 रुपये का मिल जाएगा। सो चलिए अब कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। सबसे पहले जो इसकी सील है उसको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो फिटनेस ट्रैकर है वो देखने को मिल जाता है, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद आपको यहाँ इसका जो बैंड है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप इस फिटनेस ट्रैकर या जो इसका फिटनेस कैप्सूल है उसको लगाकर अपने हाथ में पहन सकते हैं, अपने रिस्ट में पहन सकते हैं, और इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें इसको यूज़ करने का और सेटअप करने का तरीका मेंशनड है और इसको आप कैसे किस तरीके से चार्ज वगैरह कर सकेंगे। नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप किसी भी फिटनेस ट्रैकर को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बॉक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ देखने को मिल जाएगी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बॉक्स की, जो कि है एक चार्जिंग केबल। जी हाँ, ये एक अलग तरीके की चार्जिंग केबल है, जिसमें आप फिटनेस ट्रैकर को फिक्स करके आप अपने ट्रैकर को चार्ज कर सकते हैं। ये तो हुए बॉक्स कंटेंट्स, तो आप देख लेते हैं एमआई बैंड 3 को करीब से। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो इसकी शेप कैप्सूल की तरह है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। काफी छोटा है मेरे ओपिनियन में, जबकि ये एमआई बैंड 2 से बड़ा है। अगर इसके फ्रंट में देखें तो यहाँ आपको 0.78 इंच की ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन 128x80 है। ये पहले के एमआई बैंड 2 से बड़ा डिस्प्ले है और ये एक टच स्क्रीन है, और ये कर्व डिजाइन के साथ आता है तो देखने में काफी अच्छा लगता है। और इसी डिस्प्ले के नीचे आपको एक टच सेंसिटिव बटन देखने को मिल जाती है और बैक साइड में आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ में है एमआई की ब्रांडिंग। इसके साइड्स में आपको मॉडल नंबर प्रिंटेड देखने को मिलेगा और नीचे साइड में आपको चार्जिंग पिन देखने को मिल जाएंगी, जो कि इसको चार्ज करने के लिए है। और इसकी न्यू डिजाइन की वजह से ये इजिली बैंड से बाहर नहीं आता है। अगर बात करें इसके बैंड की, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर मटेरियल से बना हुआ है, ये स्किन फ्रेंडली है और ये ब्लैक कलर का है, और इसमें आपको ब्लू और ऑरेंज कलर भी देखने को मिल जाएंगे। इस एमआई बैंड 3 में आपको 110mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि Xiaomi के अकॉर्डिंग 20 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। और इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिल जाता है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। एमआई बैंड 3 से आप इसमें टाइम, ऐप नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट, अलार्म, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न, वेदर इन्फॉर्मेशन, स्टॉप वॉच जैसी चीजें कर सकते हैं। और इस बैंड को आप एमआई फिटनेस ऐप के थ्रू किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस से पेयर कर सकते हैं। इसको पेयर करने के लिए आप एमआई फिट ऐप में जाएं, और जैसे ही आप इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर आपको नो पेयर डिवाइस देखने को मिल जाएगा, आप इस पर टैप कीजिए। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे वैसे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप बैंड को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप बैंड को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ ओके पर सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपके डिवाइस को सर्च करना स्टार्ट कर देगा। और सर्च करने के बाद थोड़ी देर बाद जब सर्च कर लेगा तो यहाँ पर आपको टैप बैंड टू पेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने बैंड पर जो बटन दिया गया उसको टैप करते रहें। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर पेयर सक्सेसफुली हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको पेयर कर सकते हैं। इस ऐप में काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो वो मैं आपको आने वाले फुल रिव्यू में बताऊंगा। अगर इनिशियल इंप्रेशन की बात करूं तो एमआई बैंड 3 मुझे काफी सही प्रोडक्ट लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, देखने में काफी अच्छी लगता है, 2000 रुपये का तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, और इसकी प्राइस काफ़ी सही रखी गई है मेरे हिसाब से। तो इसको कुछ दिन और यूज़ करने के बाद मैं इसका फुल रिव्यू जल्दी लेकर आता हूँ अपने चैनल पर, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फुल रिव्यू उसका देख सकें। और इस तरीके के और टेक्निकल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कर लीजिए इसको लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपके सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस तरीके के और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, जो कि बिल्कुल फ्री है। टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। मेरा नाम दुष्यंत, मिलते हैं अगले वीडियो में।